फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए क्या है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है और ये हमारा एचपी का ब्रेकर है। 33 KV की लाइन होती है, उसमें 33 से नीचे इसका यूज करते हैं। VCB, जैसे यहाँ पर दो ब्रेकर लगे हुए हैं, एक VCB यहाँ पे लगा हुआ है, एक VCB वहां पे लगा हुआ है। तो VCB मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। इसमें ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये रिले सेक्शन है, ये पूरा रिले सेक्शन है। इसमें पूरे में रिले लगी हुई हैं और हमारे एम्पियर मीटर वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये हमारा रिले सेक्शन है। और ये क्या है, इसको खोलने का हैंडल है, इसको पकड़ के खोलते हैं। ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रैक इन और रैक आउट होता है। नीचे है पीटी सेक्शन। पीटी क्या होता है, अभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी में एचटी लाइन के अंदर पीटी यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये पीटी, इसके अंदर पीटी लगी रहती है जो हमारी हाई वोल्टेज को, सपोज इधर 11,000 या जितनी वोल्टेज आई होगी ना, उसको कम करके जो एक नॉर्मल वोल्टेज होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देती है। और एक मीटर में हम देख पाते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी है। तो जो पीटी होती है वो वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। ये यहाँ पर रिले लगी हुई है, रिले के अंदर मैं इसमें काफी रिले लगी हुई है। तो एक बार यहाँ से थोड़ा इसको थोड़ा क्लोज देखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कैमरा इसके पास में आएगा तो बच्चों को थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या रिले लगी हुई है। देखो जी, ओवर करंट रिले लगी हुई है यहाँ पे। ये पूरी है, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, ओवर करंट रिले लगी हुई है। इससे ऊपर क्या है, देखो फेस इंडिकेशन है। सबसे ऊपर RYB का फेस इंडिकेशन है। फिर ऑन है, भाई हमारा ब्रेकर ये ACB ऑन है या ऑफ है वो इंडिकेशन दिया हुआ है। ऑफ का इंडिकेशन है कि भाई ये बंद है। ट्रिपिंग का इंडिकेशन है कि ट्रिप तो नहीं हो गया है, अगर ट्रिप हो जाएगा ट्रिप का इंडिकेशन आएगा। स्प्रिंग चार्ज है तो स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन आता है। ये है भाई, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सेफ्टी क्या क्या होती है। और एक इस क्वेश्चन का आंसर न देके आप फेल हो सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है, ओवर करंट की रिले लगी हुई है, अर्थ फॉल्ट की रिले लगी हुई है। आप बता सकते हैं ओवर करंट रिले लगी रहती है, अर्थ फॉल्ट लगी रहती है, मास्टर ट्रिप रिले लगी रहती है, ट्रांसफार्मर ऑक्जिलरी रिले है, ये लगी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह करके ये काफी रिले लगी हुई हैं। ये क्या है, ये देखिए अनाउंसेटर लगा हुआ है। अनाउंसेटर के बारे में मैंने अभी जल्दी एक वीडियो बनाई थी। देखिए मास्टर ट्रिप, अगर मास्टर ट्रिप रिले की वजह से कुछ आएगा तो इसमें इंडिकेशन आ जाएगा, ये रेड जलने लग जाएगी। ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट से आएगा तो ये वाला जलने लग जाएगा सेक्शन। बकोज रिले, हमारा ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर इसके पीछे लगा हुआ है, तो बकोज रिले पे ये वाला इंडिकेशन जलेगा। वाइंडिंग टेम्परेचर पे ये वाला इंडिकेशन जलेगा और ऑयल टेम्परेचर पे ये वाला इंडिकेशन जलेगा। तो इस तरह करके ये हमारा अनाउंसेटर दिया हुआ है। ये देखो सेलेक्टर स्विच है, लोकल या रिमोट। भाई लोकल का मतलब है कि मैनुअली करना है या PLC के थ्रू हमें ऑपरेट करना है। ये TNC स्विच दे दिया है। TNC मतलब ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ये इसके अंदर एक रिले लगी रहती है भाई, एक तो हम इसको बटन दबा के ऑफ कर सकते हैं और दूसरा हम TNC के थ्रू ऑपरेट करते हैं। TNC क्या करता है, इसमें दो रिले होती है हमारी, शंट रिले और क्लोजिंग रिले। तो जब हम ट्रिप करते हैं रिमोटली, जब हम ट्रिप करते हैं तो हमारी शंट रिले को कमांड जाती है, और जब क्लोज करते हैं तो हमारी क्लोजिंग रिले को कमांड जाती है। ये इमरजेंसी हमारा बटन है कि इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है, कुछ इमरजेंसी है तो हम इसको दबा के अपनी जो ये AC भी है इसको ऑफ कर सकते हैं। अब ये सप्लाई के ऊपर है तो इसके अंदर आज नहीं देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिल गया होगा, वहां पर हमने ACB को प्रॉपर रैक आउट करके आप वीडियो देख पाएंगे। तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये नीचे पीटी सेक्शन है। हो सका तो आप लोगों को पीटी सेक्शन भी आज दिखाएंगे।
इसके अंदर मोस्टली डीसी सप्लाई दी जाती है, जो कंट्रोलिंग को जी दी जाती है मोस्टली डीसी सप्लाई दी जाती है। इसके पीछे भी थोड़ा सा देखो, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, ऑन होती सारी जल गई है, ये पूरी कंट्रोलिंग है इसके अंदर, ये इसके अंदर पूरी कंट्रोलिंग है। ऊपर जो अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट रिले लगी हुई थी उनके कनेक्शन हैं, ये इधर नीचे हमारी ऑक्सिलरी रिले थी और मास्टर ट्रिप रिले, ये मास्टर ट्रिप रिले है, ये अनाउंसेटर पैनल है, ये हमारे मीटर्स वगैरह के कनेक्शन है कि जो हमारे मीटर के कनेक्शन आ रखे हैं, ये हमारा टीएनसी स्विच के कनेक्शन है, ये सेलेक्टर स्विच है, एमरजेंसी स्विच है इधर, और वहाँ पर भी देखेंगे तो जो पूरी ऑक्सिलरी कनेक्शन है उसके अंदर हैं हर तरह के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, एमसीबी हैं कंट्रोलिंग के लिए, एमसीबी लगी हुई हैं। तो इस तरह का देखिए, अब इसको बंद करेंगे ना तो ये लाइट भी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऊपर एक स्विच लगा हुआ है, बिल्कुल ऊपर एक स्विच लगा हुआ है, उस स्विच के थ्रू बंद हो जाती है। तो ये इस तरह बंद हो गई है। तो ये पूरा हमारा वीसीबी सेक्शन है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हर जगह, अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ पे मिलता है, किसी सोसाइटी में जाते हैं बड़ी बिल्डिंग है भैया वहाँ पे मिलेगा, तो इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सब चीज़ों की अभी हम लोगों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसका जो प्राइस है आपका 2500 रुपीज प्राइस होगा, जो आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग का प्राइस होगा अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है जिसको इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरह की लर्निंग की ज़रूरत है। आप फ्री में यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं इसका हैंडल और थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, इसका हैंडल ये इस तरह का हैंडल होता है, इसका ये हैंडल इसका इस तरह का होता है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। इसमें स्प्रिंग दे रखा है कि जिसको पकड़ के इजीली मूव कराया जा सके। तो स्क्वायर शेप में इसके अंदर होता है जो उसके अंदर लगा देते हैं। अभी सब कुछ लाइव सिस्टम है इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, इसमें देखिए बैटरी के लिए, ये इधर बैटरी चार्जिंग के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जो बैटरी इसके अंदर ही लगी हुई है जो डीसी सप्लाई की कंट्रोलिंग वगैरह को देती हैं, तो उसकी उसको चार्ज करने के लिए लगा हुआ है, डीसी पावर पैक ये पूरा लगा हुआ है। तो काफ़ी कुछ है लर्न करने के लिए, तो आप हमारे साथ रह के ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में एलटी पैनल के बारे में दिखाएंगे, अभी टीम को ट्रेनिंग भी देंगे जब भी सीखेंगे आप कुछ ना कुछ। तो इसी तरह सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।